जी नमस्कार, सुमित सुमन। तय समय से किछ विलम्ब के लेल माफी चाहैत छी। और आजुक जे हमर टॉपिक अछि ओ मिथिला के भविष्य के लेल या एखन के लेल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आइ हम सब बात करब। आइ हमर विशिष्ट अतिथि जुड़ता तो सबसे पहले सीमर फिल्म्स इंटरनेशनल के इस फेसबुक लाइव सेशन में अपने सबक स्वागत है। स्वागत करें हम बिना विलंब का हम जोड़े छियन अपन आज गेस्ट का अपन अतिथि का जिनकर हम परिचय सेहो करायब। अपने सब बता दीजिए आय अनुप कुमार झा जी हमरा सब संगे मिथिला में उद्यमिता विषय पर जुड़ रहल छथि और आशा ने विश्वास है जे ई आजुक लाइव सेशन एकटा मिथिला के लेल बहुत सुंदर कदम कहल जा सकैया। तो हम बुलित छी आजुक मेहमान का अनूप झा जी का संगे हुनकर संग छथिन अमित मधुकर जी। अनूप झा जी और अमित मधुकर जी का दोनों आदमी का बहुत बहुत स्वागत है सीमर फिल्म्स इंटरनेशनल का ई फेसबुक लाइव सेशन में। तो सबसे पहले हम तो परिचय में परिचय हम बताबी ओहि से पूर्व में कार्यक्रम हम सब शुरू कर दी छे और अपने से अगर छोट में संक्षिप्त में अपन परिचय अगर हमारा दर्शक सब लग अपने के रखिए तो ओहि से कार्यक्रम और रिलेशन बनते और हमरा लगे कार्यक्रम बहुत निक जुड़ते। तो अनूप झा जी अपन संक्षिप्त परिचय हमरा दर्शक सब संगे अपने साझा करिए जी। अनूप झा जी परिचय अपने की कहल जा परिचय तो सब बुझल जा हम अनूप कुमार झा छी जायन एसोसिएट्स हमर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है और सन 1997 से हम चंडीगढ़ से स्टार्ट कलव है। जायन एसोसिएट बेसिकली एक बॉटिक फर्म है लेकिन अग्रणी फर्म है। अपन बिजनेस एनालिसिस और के मामले में ये पूरे भारत में एक अपन स्थान बनेने छे अपन सटीकता में। उदाहरण के तौर पर हम 6 साल पहले एत हम बिहार आयल हूँ अपन पैतृक गाँव रामापुर महेशपुर जो समस्तीपुर जिला में छे। तो वही समय में लोग कहे चले दरभंगा एयरपोर्ट नहीं चालू हेते जहन चालू होते देखा जेते पता नहीं की हेते नहीं हेते दरभंगा एयरपोर्ट बन जाते। हम कहें दरभंगा एयरपोर्ट इतने ये ठीक है किसान पहली बार पूरे बिहार में हम एक स्टार्ट कल है। तो हम परिचय तो करो तो बड़ा लंबा हो जाए कि केना हम जानवे नगर से पढ़ल है तो हमारे स्कूल छा न केवल बिहार में बल्कि पूरे पूरे विभाग में जगह चला स्थान रहा गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जानवे नगर रोहतास बिहार से। वर्तमान में जो एलुमनी है मनोज तिवारी मिडल संजय निरुपम जिनका कुल परिचय वैसे पहले सबसे बड़ा हैवी वेट के आईसीएस ऑफिसर दिन एलपीसी जो लोग जले छथिन उनका कि हमरा असला के दिन एलपीसी के नाम देना चाहिए कहते हमर वॉयस स्पीड में है तो हम परिचय जल्दी कर यदि आपत्ति अपने के नहीं हो हम अहाँ सबके अभिवादन केला से पहले दू गोटे के आई बहुत विशेष रूप से हम कहें जिनका कारण आए हम बड़ा मेहनत कलो है आई 40 किलोमीटर हम दौड़ल है इन लाइव लें और अमित मधुकर जी के हम धन्यवाद दै छियन जे जिनका कारण हमरा आई लाइव सफल भेल। और सुमित सुमन जी से हमरा मिलनहार उत्कृष्ट लोक गायिका मैथिली लोक गायिका श्रीमती सोनी चौधरी जी के जतेक हम आभार प्रकट करबन में हमर मित्र सौम्य विनम्र सुदर्शन श्री ललन चौधरी जी जे आई सुमित सुमन जी से हमरा भेंट करेला एक महीना पूर्व में प्रोग्राम में तखन से हमरा एक भातृवत्सल जका हुनका संग स्नेह पर ई लाइव के जे प्रोग्राम छे जेमे विशेष रूप से जिनकर योगदान छन प्रवीण कुमार मिश्रा जी जे उग्र तारा न्यास मंदिर के सचिव छथ पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय लेकिन नारायण के भातिक छथ हुनका जे छन और हमर पैघ भाई डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी हमेशा पाछू जगह न अनुप जी अहाँ के लाइव पर क्योंकि कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम छे ते दुआरे हम लाइव से बचल है। तो जतेक श्रोतागण छी हम अपन श्रोतागण के हम अपन कविता से अपन मौलिक
स्वरचित कविता से अभिवादन करवन आह्वान करवन यदि अपने आपत्ति में हो तो हम कर शुरू कल जाए हमारे स्वरचित कविता जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम करें छन हमारे अपन पैघ काका स्वर्गीय भूपिंदर झा ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से शुरू कला के बाद वो निदेशक पद पर रहलखिन उप शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के और दोसर जो हमर अपन पैघ भाई छथिन जो अखनो छथिन और हमेशा आओ हमरा आओ उत्प्रेरित करथिन डॉक्टर रेवती रमन झा FRCS ब्रेन सर्जरी में पूरे बिहार और झारखंड में कम्प्लिकेटेड उनका अपन स्थान छलन हमरा गर्व है और समस्तीपुर से छी यत आई मेडिकल क्षेत्र में पूरे बिहार और झारखंड में अपन स्थान स्थापित कलकन दोसर छलकन है डॉक्टर के कंड जो अबोध कंड के पैघ भाई रहथिन फर्स्ट टाइम बिहार और झारखंड में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कलकिन तेसर छलखिन है डॉक्टर बहाव उ दरभंगे में सेटल भेलखिन कहल जाए दरभंगा में अगर ऑपरेशन नहीं भेल तो डॉक्टर बहाव करता ये तीनों FRCS छलखिन है और तीनों लैंडमार्क छलखिन है परिचय हम संक्षिप्त में कर छी और हमारे पास कंटेंट बहुत है बिहार में और विशेषकर मिथिला में उद्यमिता अहाँ के बहुत बड़का एक विषय है अखन नीति आयोग के हम पोस्ट कलम है एक स्लाइड 55% एवरेज मिथिला में 60% एवरेज गरीबी है उससे पहले हम किस कहब हम अहाँ सब गोटे के विनम्र अभिवादन सादर अभिनंदन वंदन करे छी और अपन कविता के साथ तो कविता हमर अपन स्वरचित एज सुनल जाओ यो हम आयल छी जत सुग्गा बाजे संस्कृत मंद यो हम आयल छी जत सुग्गा बाजे संस्कृत मंद बानी छे मधुर सनग बानी छे मधुर सनग पपीहा बाजे कोकिल कन पपीहा बाजे कोकिल कन आंगन अरबन करल आंगन अरबन करल धवल मेदिन श्याम धवल मेदिन श्याम गीत रचल छे पग पग पोखे गीत रचल छे पग पग पोखे सजल सप्त सुर तन यो हम आयल छी जत सुग्गा बाजे संस्कृत मन अनुपम धरोहर मिथिला मनोहर अनुपम धरोहर मिथिला मनोहर अचहिमक आचल अचहिमक आचल विद्वत प्रवर मिथिला उद्घोष रिचाई प्रांजल उद्घोष रिचाई प्रांजल की याद बल कै की बेदा बदीन की यागवल कै की बेदा बदीन की मंदन उदना चायांचल अनूप पुकार माटक अनूप पुकार माटक मालिया शंखनाद यो हम आयल छे जत सुग्गा बाजे संस्कृत मंद
गीत रचल छै बग बग पोखर, गीत रचल छै पग पग पोखर, सजल सप्त सुर तन यो हमें आयल छी, जत सुगा बाजे संस्कृत मन। अहाँके एक परिचय, एक आह्वान, एक संधिनाद, एक उद्घोष छै कि मिथिला में उद्यमिता के। हम बेसिक एक एक पॉइंट हम कह चलब अपने लोकनिके कि करनाय जरूरी छै। देखियौ मिथिला में एग्जैक्ट हम अगर हम अनुग्रह से आपसे आग्रह करब। जिला के छे और 28 जिला के मैप में कम हेलो से कम 8 करोड़ के आबादी छे। 8 करोड़ के आबादी में कम से कम 60% गरीबी छे, अनूप फोन सर, नहीं कर रहे छे, फायद कर रहे छे। अनूप सर किस हमर जिला आवाज जा से रहा लिया। छे? हाँ कहा जा अपने किस कहे चल रहे आवाज हो? नहीं आ आवाज रही नहीं है आ रही सर, है। सबसे पहले हाँ, तो हम सबसे पहले चाहब जे परिचय से जे हम सब जे बात स्टार्ट केलहुँ हँ, तो अपने जे एखन कविता में संपूर्ण मिथिला के देखलिए हम, जे मिथिला के धरोहर, मिथिला के जे विभूति हाँ सब के अपने चर्चा केलिए हँ, एतेक सुंदर एगो जे समा बांधलिए हँ, ओहि संग में हम चाहबे जे अनूप जी के तो अपन परिचय जे छे ओ पूरा मिथिला के बांधे तो अपन देबे केलखिन, संगे जे अपने संग जे हमर मेहमान एकटा और जुड़ल छथि अमित मधुकर जी, हुनको से हम चाहबनि जे ओ अपन संक्षिप्त परिचय जे छे हमरा ओके दर्शक संगे साझा करथि। जी मधुकर जी, प्रणाम। हमार नाम भ गेल अमित कुमार मधुकर। जी हम मिथिला में हमार माटी जे छे से मिथिला के माटी में हमार खुशबू हमार जन्मजात छे। ये हमार पिताजी डॉक्टर आर बी मधुकर जे मैथिली के राइटर छथिन और गीत लिखे छथिन, उनकर जैसे कविता बजे छले दरभंगा रेडियो स्टेशन में, ड्रामा डिवीजन दरभंगा छे, वही में जैसे कलाकार के रूप में हमारे पिताजी काज करे छलखिन। ये बात भ गेल बहुत पहिने के, लेकिन हम दरभंगा से छी और हमारे रिलेशन सब मधुबनी आर में छे। अई कारण जैसे हमरा के रिलेशन और मिथिला के जे मूल जगह से जे संबंध छे वो प्रगाढ़ छे अखन। अई कारण जैसे हमरा मिथिला मैथिली में ज्यादा इंटरेस्ट रह ले है। हमर नाम और हमर परिचय के पीछे एक कारण छे कि मिथिला में रह के कारण और हमर पिताजी के जे एक विरासत में मैथिली के जे एक संस्कार भेटल अछि, उ संस्कार लऽ कऽ हम अखन तक पल बढ़ रहलहुँ है। और मिथिला में हमर जे एक विकास छै इमे अनूप झा जी क्लियर कयने छथिन कि दरभंगा प्रमंडल से लऽ कऽ आ पूरा बिहार में एकटा छाप छै इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण, जे हमर उद्यमता विकास संस्थान सो काज कऽ कऽ पूरा 38 जिला में बिहार में हम अखन बिहार उद्यमता मित्र बिहार के कारण जे छे से लोग के इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करबै छी। एक ऑर्गेनाइजेशन छै बेलवर सिटी, तई में हम सेक्रेटरी छी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में पिछले 15 साल से काज करै छी। हम पहिने बैंक में भी मैनेजर छलिए और कनी दिन जैसे हम और भी ऑर्गेनाइजेशन में काज केने छी। ई सब छोड़ि कऽ हमर अपना इंटरेस्ट जे पहिने से छले कि मिथिला में विकास के जे एक रास्ता छे हमर मिथिला से शुरू भ कऽ मिथिले में समाप्त भ जाइ छे, एकरा हम स्प्रॉलिंग नहीं कऽ पाबै छियै। अगर हम डेवलपमेंट करै छियै तऽ हमरा मिथिला और मैथिली के पहचान जे छे इंटरनेशनल लेवल तक जा सकलै है। बहुत सारा लोग जे छथिन से पहिने से मिथिला और मैथिली के लऽ कऽ बहुत सारा काज केने छथिन, लेकिन ओकरा जैसे मिथिला के लोग के बीच में आनि कऽ आ उनका जैसे उनका रसा स्वादन करवायल जाए कि बाहर में जे मैथिली के कतेक सम्मान छे और हमरा ओत जैसे एकर तनिको खुशबू से भी आदान प्रदान नहीं भ रहल अछि। ई बहुत बड़ा जैसे जरूरी छे अखन मिथिला में उद्यमिता के जे बढ़ावा देबो के जहां तक बात छे, मिथिला में तो बहुत बड़ा स्कोप छे। मिथिला तो पहिने ही से इंटरप्रेन्योरशिप के लिए काज करे छे, लेकिन यहाँ जैसे कोसी के, कमला के, गंडक के और गंगा के जो प्रभाव छले पहिने,
उकर कारण यहाँ पर जैसे परेशानी रेगुलर रहले हमर मिथिला जैसे सृजन के स्थान चले अहाँ के ज्ञात है कि जितने जैसे प्रकांड विद्वान भेला अहाँ के विद्यापति से लो कर मंडन मिश्र से लो कर गिनाना मुश्किल छे हमरा तो मिथिला में उस सब लोग के अगर हम एक जगह समाहित को को अगर फूल के गुलदस्ता बनवे छे तो मिथिला के जैसे मान सम्मान में भी चार चांद लग जते और हम चाहब कि हमर पिताजी के एक गीत दरभंगा रेडियो स्टेशन में बजे छे अगर हमरा अवसर देवे तो हम गुनगुना का तनी जतेक लाइव छे जरूर 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 ओई स जे छे अपने के गीत के गायन से जरूर हमर कार्यक्रम में और रोचकता हेते लेकिन ओई से पहले अब हम सब कार्यक्रम के जे छे शुरुआत करै छी और आजुक जे एखनका जे स्थिति अछि जे सबसे पहले तो हम अनूप जी से जानेल चाहबन जे हमर दर्शक सब सबसे पहिल क्वेश्चन पर जे ध्यान देता जे आखिर ई उद्यमिता उद्यमिता छिए कथि उद्यमिता होय की छे त सबसे पहिल जे छे अनूप जी अपने सबसे आग्रह जे ई उद्यमिता की होय छे त उद्यमिता के विषय में हमरा दर्शक सब संगे अपने शेयर करिए अपन विचार जी हम अपन इंट्रोडक्शन आगे दे चुकल छी जी जी नाम अनूप कुमार झा है इंट्रोडक्शन दे चुकल आजीविका आर्थिक रूप से आजीविका केना हम जीवी वो उद्यमिता छे इंडिपेंडेंस या एंटरप्रेन्योर बनने या एंटरप्रेन्योर बनने और एंटरप्रेन्योर अपना मिथिला में अखनो प्रतिष्ठित नहीं मानल गेले है तै दुआरे एत मारवाड़ी के लोग पंजाब पाटी संग पंजाब के लोग उद्यमिता केलन है और हम सब एक चाकरी पर या खेती बाड़ी पर या छोट मोट आ चुकी जखन से आरक्षण पर प्रभाव पड़े तो नौकरी पर पड़ल है और बेसी हम सब एक लेबर सप्लायर स्टेट के रूप में अपना आप के स्थापित कल है इंडिपेंडेंट पहनो भी छले पौराणिक जुग उद्यमेन ही सिद्धंती न कार्यानी मनोरथी तो उद्यम से ही जे है सब एक सामाजिक के सही अर्थ है नौ रीते शांतस्य शिक्षा देवा ऋग्वेद के प्रमुख छे तो यो उद्यम के उद्यम और उद्यमिता के बात के प्रमाणित करे छे उद्यमिता के कई स्वरूप छे उद्यमिता के मतलब ये नहीं होय छे हम खाली दुकान खोल ले ली उद्यमिता अखन प्रेजेंट सिनेरियो में जे बिहार के जे संभावना छे बिहार के सबसे बड़का जे की यंग एक सबसे एटलीस्ट 50% से ज्यादा यंग फोर्स छे दूसर बात एग्रीकल्चर के बहुत बड़का सोर्स छे तेसर बात बहुत बड़का कंज्यूमर बेस छे अपन लेकिन हम सब बाहर से सब चीज हमरा आबि रहल और वो जीएसटी के भी हमरा बेनिफिट नहीं भेटल जीएसटी में एकदम मेंशन छे जे उत्पादक राज्य थे ओकरा बेसी लागत है उ चीज के बुझे हम सब एत आज सोचल है कि आज अगर हम नहीं जागब तो कहिया जागब अपने लोगन के शायद बुझल हुए कि हम अक्सर हाँ फेसबुक पेज पर डिजिटल मीडिया के पेज पर हमेशा एक मिथिला के लोग के जगबै छी मैथिली में पंडित बकलोल झा के नाम से जगबै छी उठैत मैथिल जगैत मिथिला उठैत मैथिल जगैत मिथिला समग्र मैथिल समर्थ मिथिला एक बहुत गंभीर और गहीर अर्थ छै आइ हमरा ठीक छै आइ बिजली आबि गेलै हमरा गाम में नलको आबि बहुत गाम में तो नलको नहीं एलै आइ हम सड़क भी ठीक बन रहल छै लेकिन उद्यमिता पर अखनो हम कोसो पाछू छी अगर पूरे भारत के उद्यमिता के हिसाब से अगर चली और बिहार में देखी तो 1% से कम उद्यम बिहार में छे जे इंडस्ट्री के श्रेणी में आवे छे जेकरा एंटरप्रेन्योर के श्रेणी में आवे छे और एकर नतीजा छे कि हम बा हमर प्रतिभा हम समृद्ध हमर यूएसपी जे मिथिला के कि हम सब वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन टेक्नोलॉजी हमरा पास बेस्ट ब्रेन है वही के बावजूद भी हम गरीब छी हमरा पास ग्लोरियस हेरिटेज है ग्लोरियस मतलब जबरदस्त विरासत हम बाबा के कहलो है अपन कविता अनुपम धरोहर कहल जाय छै जतो अनुपम धरोहर हो और मिथिला के माटि उर्वर हो ओ तो पाछू रहला के कोनो जरूरी नहीं
हम अखन याद करे छन ओ विजनरी महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के, वो जो उद्योग समस्तीपुर में स्थापित करते रहते और राजनगर में कल्चर स्थापित करते, उनका बुझल छलन उत्तर के क्षेत्र में सांस्कृतिक समृद्धि छे तो दक्षिण के क्षेत्र में परिश्रम छे और वह बेस में अपन जो उत्तर बिहार के जो संसाधन छे वही बेस पर वो अपन उद्यमिता स्थापित कलखिन, नहीं कि वो झारखंड और दक्षिण बिहार के रिसोर्स पर कलखिन। आई हम वो सब चीज बिसर गए, हम वही चीज पर आज गौर करब कि कत हम सब मिथिला के लोग आगा बढ़ सके छन। हम एक पूरा फेरो अमित मधुकर जी के धन्यवाद देते हैं, वस्तुतः समस्तीपुर के नंबर 3 पूरे बिहार में, नंबर 1 अगर पटना छे तो नंबर 2 मुंगेर छे, तो नंबर 3 आज समस्तीपुर छे, तो नंबर 3 समस्तीपुर में आव के समस्तीपुर के अपन कृषि व्यवस्था मजबूत रह ले, लगातार 70 साल तक बिहार और झारखंड में कर लीडरशिप छे, ऐमे कोनो किंतु और परंतु नहीं छे। ये बात के प्रमाणिकता नॉर्मन मोरलॉग भी कलखिन और एक जो नोबेल लॉरिएट रहते यू एक दोसर नोबेल लॉरिएट भी प्रमाणित कलखिन समस्तीपुर के संभावना के बारे में, न केवल समस्तीपुर के बल्कि पूरे उत्तर बिहार के बारे में, बल्कि दक्षिण बिहार के बारे में भी। डॉक्टर जोसफ ई स्पेक्टलेट जो इकोनॉमिक्स से उनका नोबेल अवार्ड पेटलन है, वही सब में हम एक एक चीज पर अगर विस्तार पर जाए तो लंबा समय है, लेकिन बहुत संभावना एकदम। दोसर बात, हम सब इंडस्ट्रियस छी, अगर इंडस्ट्रियस नहीं है तो देश के मैन पावर अखनो नहीं देते, इकोनॉमी हमरे संबल से चल रहा है देश के, ये चीज हम सब अपना राज्य में अपना क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं कर है युग निकल जैके लिए हमारा छूब है। आई हमें याद है हम अपन एक संगी के संगे रविपाल विष्णु चौधरी भजन लाल के अपन सारक सुपुत्र छलखिन है, उनका संगे एक बार हम ओम प्रकाश जिंदल के लग में गेलो, हमर दोस्त एक प्रकाश साल कोरोना से मिल रहा हूँ अभिन मित्र रहती प्रोफेसर हरिमोहन गोदारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रेवाड़ी के निदेशक रहते हैं, उनका अभिन मित्र सज्जन जिंदल जो ओम प्रकाश जिंदल के पुत्र रहते हैं, ओम प्रकाश जिंदल इंडस्ट्रियल मैग्नेट रहते हैं, उनका कह चलन कि आप तो हरियाणवी लोगों को दे नहीं रहे हो, थारे तुसी हरियाणवी लोगों को दे नहीं रहे हो और बिहारी बंदे लोग दे रहे, थारे की पता से है बिहारी बड़ी मेहनती हो, उनसे बिहारी असी अगर देश में ना हो गए तो फैक्ट्री ना चले, थारे खेत भी ना चले से, बिहारी का बगैर तो कंट्री नहीं आएगा। मैं आपको हरियाणवी में बताया हूं, उन्होंने कहा, मैंने सुना, वो कहलखिन हम सुन लो, या हो जाए कखनो हिंदी और अंग्रेजी में यह फर्क हो जाए छे, है हमारा रिसर्च कंटेंट अंग्रेजी में छे, हम मैथिली में जरूर कहें। आई हमारा वो चीज के हम गौर केलो है, वापस हम अपन 6 साल पहले बाबूजी के देख के बहाने ही सही हम मिथिला और मैथिली से जुड़ल है, 6 साल तक हम गंभीर एहि पर रिसर्च कलो एक एक जिला के ऊपर में। अब अच्छी हम पॉइंट पर, कोर आइडेंटिफाइड सेक्टर इन मिथिला, मिथिला के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख इंडस्ट्रियल प्रोबेबिलिटी कितना कितना भ सके, औद्योगिक संभावनाएं, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर नंबर 2, एग्रीकल्चर पहिने हम तक, कारण छे ये एग्रीकल्चर में 20% हम सब जीडीपी बिहार सरकार के दौ रहल छे, 56% लैंड अवेलेबल एग्रीकल्चर के हमरा पास छे, हम सही ढंग से टैप नहीं कलौ है, और 70% अहा जने छे बिहार जनसंख्या बहुल राज्य छे, ठीक छे हमर आंकड़ा पेट्रोल में डीजल में अब गैस के कंजम्पशन में नहीं दिखाई दे छे, तय हम गरीब छे अर्थशास्त्र के मानदंडों में, लेकिन सबसे बेसी भोज भात हम करे छे और बैंक के डिपॉजिट रेशियो हमरा बता रहल छे जे हमर जमा के पाई राज्य में जा रहल छे। ई चीज के बुझे या ई नहीं बुझू कि हम सब गरीब छे, आर्थिक आंकड़ा और सामाजिक आंकड़ा में फर्क होइ छे, हम अहाँ के प्रूफ कह बता। चौथा, जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश बिहार में 2005 के बाद जन परिवर्तन के बयार ले तो जीडीपी आई द्वारे तेजी से बढ़ ले, जिसमें गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर निवेश छले, लेकिन गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कितना होगा कि चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में नहीं कि शहरी क्षेत्र में, हम स्मार्ट टाउन के बात नहीं करी, हम स्मार्ट विलेज के बात करी, करी किया ओकर हम कारण बताए, हमर विजन 2050 के हिसाब से बनवा के चाहिए। दोसर बात, बिहार गांव में बसे छे, वो हम एक एक कक बताए, हम
धीरे धीरे कनी पॉइंट पर आबै छी। हम किया ग्रामीण समृद्धि के बात करै छी, ग्रामीण समृद्धि से मिथिला के समृद्धि के बात करै छी, पलायन रुकते और ओहिसे गवर्नमेंट एक्सचेकर केना बढ़ते, जीएसटी केना बढ़ते, देश के बिहार के राज अर्थव्यवस्था केना बढ़ते और मिथिला केना समृद्ध हेतै स्टेप बाय स्टेप बता, क्योंकि उद्यमिता छोट विषय नै छै। फॉर्मेशन ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। हाँ सुनो, हम प्रश्न उत्तर बाद में कहो कि अगर डीलिंग भ जाए तो हमारे माइंड से मेमोरी निकल जाए, अहिना 30 किलोमीटर अहा घुमा दिल। आई परमिल जी के धन्यवाद दिए फिर हमका पार्टी करवा के चाहिए क्षमा करे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि रिसर्च जारी रखिए हम 2 मिनट हम रिलैक्स कर अमित जी के जखन दे तो अपने कमेंटो बता, ये वेरी इंपॉर्टेंट बतबे छी। वाटर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अखन हाल में यूनाइटेड मिथिला फेडरेशन के सुमित झा साहब के साथ हमारा साथ अमेरिका के बहुत बड़का डेलीगेट सब आये थे, श्रीमती माला झा, डॉक्टर प्रकाश के झा, ओकनो ओ सेमिनार कर रहे अंतर्राष्ट्रीय समय, वो कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट छा और एग्रो विजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टीम में कोर सदस्य और हमारा खुशी है झा एसोसिएट के प्रमुख फाउंडर सदस्य छा। आई बेस्ट टीम हमारा टीम में डॉक्टर जितेंद्र झा आईटी सेक्टर पर छत, वो इंटेल कॉर्पोरेट के टॉप लेवल के सीनियर साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर छ, इंटेल जाने इंटेल कॉर्पोरेट के पेट में प्रोसेसर हुई छ, और इतने लोग हमारा अखन टीम में आयल उनका सब हम आईटी पर बहुत बात कलो है और आईटी के संभावनों के भी बहुत बात हम बाद में चर्चा करब। तो संजय झा जी के साथ जो हमारे बातचीत हुई वाटर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर मैनेजमेंट क्योंकि फ्लड हम लोग सबके जान मार रहा है, अखनो फ्लड के लग तो वही पर हम फ्लड कितना कंट्रोल लेते वो हम दलियन है और वो मॉडल बदलियन है तो संजय बाबू के क्लिक कलर है। खुशी के बात है फॉर्मेशन ऑफ स्मार्ट विलेज किया कहो फॉर्मेशन ऑफ स्मार्ट विलेज अहा जानो ओकर हम कारण बता, स्मार्ट शहर के बजाय स्मार्ट विलेज पर किया जेबे ओकर कारण हम किस देर के बाद बताब। और फॉर्मेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूरल बिजनेस एग्रीकल्चर के पावर हाउस क्या बनाबे, हमरा मोन परैया 2009 फिक्की के सेमिनार में मैकिंजे इंडिया के डायरेक्टर आदिल जनरल भाई और मैकिंजे इंडिया मुंबई के प्रेसिडेंट सीनियर पार्टनर बर्निक चंद्र मित्रा वो कहलखिन अगर एग्रीकल्चर पर हम अगर फोकस कर 16% जीडीपी जा रहा है वो जीडीपी 40% जेतै वो तखने भ सकै छै रूरल इकोनॉमी के हम मजबूत करबे, और रूरल इकोनॉमी अगर हमर मजबूत भेलै तो पलायन रुकतै, अर्बन प्लानिंग के बहुत बेस्ट मैनेजमेंट हेतै, पलायन अगर रुकलै तो काफी बाजार वुहान के वजह से कोरोना के वजह से बदनाम मिले, लेकिन चाइना सबसे पहले अहा के 1990 में चाइना ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान देलकै, ओकर 4 टा काज की रहे कि गांव के बुनियादी ढांचा में सुधार केलकै, कृषि के बाजार से लिंक केलकै, एफपीओ ओकरे छलै, दुर्भाग्यवश ओ चीज नहीं चले, लेकिन हम बता बिहार में एक का एफपीओ मिथिला में वो नहीं छै, मिथिला में कतौ नहीं छै, मिथिला में अगर 2 टा एफपीओ अगर छै ओ समस्तीपुर में छै ओ 2 टा, एक टा ससौना में और एक टा नरौन में, लेकिन सबसे बेस्ट एफपीओ हम बाद में हम केस स्टडी के बाद बता। कृषि के बाजार लिंक से जुड़नाय, ग्रामीण क्षेत्र में निवेश बढ़ेनाय, राजनीतिक जिम्मेदारी देनाय, जेना मुखिया सरपंच अकाउंटेबल बनाबू कि हमरा ग्राम किया पाछू अय। बिहारों में निक भेलै रितु जायसवाल के केस देखू सबसे नीक, अगर हम विधानसभा क्षेत्र के देखी तो वह समस्तीपुर का सौभाग्य भेटते वो सरंजन विधानसभा क्षेत्र के जब विजय चौधरी सबसे नीक काज कलखिन, जतेक भी 323 विधानसभा सदस्य वही ग्रामीण स्तर में सरंजन अखनो एक मील के पत्थर साबित भेले और बिहार के सब विधानसभा क्षेत्र के दिखा दिए, अगर राजनीतिक कैडर जिम्मेदार हेतु तो वो क्षेत्र विकसित हेबे करते, अमे कोनो दो राय नहीं। नतीजा 1990 में चीन में
66% गरीबी रहले। ई काज केला के बाद 2018 में आश्चर्यजनक 0.3% गरीबी रहले। ई वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट छे, ई हमर रिपोर्ट नहीं छे। और दुर्भाग्यवश आज अखनो हम सब गांव में फोकस नहीं कर रहा छी। अब बाबा आवे छी हम एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर हम यहाँ के प्राइम कहल है। एग्रीकल्चर में हम आके मैकेंजी एंड कंपनी या मैकेंजी एंड कंपनी के रिपोर्ट दिल है। एग्रीकल्चर में अपना खुशी की बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम छे और ओवरऑल यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में 10वां स्थान छे। वो गर्व ओहि धरा से ओहि समस्तीपुर से हम अखन अमित मधुकर जी के साथ उद्यमिता मित्र के बारे में उद्यमिता मित्र के बिहार के सचिव छत समस्तीपुर में नंबर 3 बनाव में हिंद का बहुत बड़का योगदान छे। दरभंगा प्रमंडल में 2018 और 2017 में सबसे ज्यादा उद्यमी दिल और हमारा गर्व झायन एसोसिएट के एक प्रमुख फाउंडर छत। एग्रीकल्चर पर बात करी छी। लोग कहे छले या कि अगर पहिने सबसे नीक कोनो पेशा छले तो खेती बाड़ी। यौ कोरोना साबित केलकै या कि खेतिए बाड़ी हमर गुजारा है। फाइव स्टार बिल्डिंग आ मर्सिडीज बेंज आ फेरारी कार अहा के कोरोना नहीं बचेला का, खाना बचेला का। अगर आ खाना खाए छी तखने फेरारी कार के और मर्सिडीज बेंज कार के और फाइव स्टार के मॉल्स के लाभ ले छी। खाना निक नहीं भेटैया तो मरियो रहल छी, फेरारी कार लक की करब अहा। आ वही खाना निक केना बना ओहू पर चर्चा चलत। ओ ऑर्गेनिक फार्मिंग कोनो भी विजन बना भी स्ट्रेटेजी बना भी तो एक ता आगा पिक्चर राख कर सामने देखे दिखा। पिक्चर की छे एग्री फूड बिजनेस इनिशिएटिव में हम आहा के बता दी कि पूरे इंडिया में भारत में 17.84% वर्ल्ड पॉपुलेशन 18% मान लियो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन छे। और जबकि लैंड खेती करे वाला लैंड मात्र 2.4% है और 4% पियो के पानी है। चैलेंज भी जो पूरे भारत के चैलेंज है। अपन मिथिला में एक खासियत है कि 60% लैंड अखनो खेती के लिए है पर हम खेती को नहीं रहल छी। बहुत में झंझट छे कारण आज 6 साल में हमरा प्रमुख बात आयल 38 जिला के रिसर्च केला के बाद ये गूगल से नहीं आला, ये कोनो न्यूज़पेपर से नहीं आला, ये कोनो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक रिपोर्ट से नहीं आला, ये एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना से नहीं आला, ये अनुग्रह नारायण इंस्टीट्यूट से भी नहीं आला, ये झायल एसोसिएट का अपन रिसर्च है कि अठाम 87% लोग के 5 एकड़ से कम जमीन है और 13% 5 एकड़ से अधिक छे। अब तो 87% के हिसाब से हमर जे लैंड एलोकेशन नहीं छे, हमर रिसोर्स एलोकेशन नहीं छे, हमर इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं छे, हमर ओही हिसाब से ध्यान में राख के बिजनेस प्लान नहीं छे। ताई कारण बिहार में स्टार्टअप नहीं बनले। दोसर कारण गवर्नमेंट के माहौल नहीं छे। तेसर कारण हम मैथिल क्रैम मेंटेलिटी कांकुर छी। काकुर जे छे ना निकलो ना देखो दोसरों के पैर खींचते ओ दोसरों के नतीजा एक के जगह मर जाए छी। और वह हम मैथिल भेलो टाइटल मैथिल को कि विद्यापति एना नहीं कहलखिन दुख ककरो नहीं देल महादेव। वो अखनो सच छे। दोसर बात रविंद्रनाथ ठाकुर लिखलखिन है केकरा कहबै के पति एतै कोइली कने भोरे स, केकरा कहबै के पति एतै कोइली कने भोरे स, मिथिला के इतिहास लिखायल सब दिन अगवे नोरे स। नोर किया भले किछ हमरो स्वभाव छे, हमरो मानसिकता छे, किछ भगवानो के दुर्दशा छे और किछ सरकारो उपेक्षा केलकैया। 1950 से अगर पंचवर्षीय योजना के देखी 2021 में पंचवर्षीय योजना से देखी तो स्पष्ट है मिथिला उपेक्षित रहले। सब फैक्टर कंपाउंडेड कल के गया मिथिला की गरीब आप नहीं हुआ के चाहे। आप डिजिटल एज में हम छी
और डिजिटल एज में हम बहुत आगा जाए। और इम्रो बहुत एहन स्टार्टअप सफल भेले या जो सोशल मीडिया में तो चर्चित नहीं छ, वो अखबारों में न चर्चित छ, वो हम बाद में सुना केस एनालिसिस जन केस स्टडी करे छिए स्टार्टअप पे, हमर एतक फोकस स्टार्टअप उद्योग तो ऐसे न तो उद्योग पर हम की स्टडी करू, 1% से कम उद्योग है, दूटा चीनी मिल चले या एक हरिनगर सुगौली में और एक हसनपुर समस्तीपुर में, आप चीनी मिल का चले या अयो चीनी मिल नहीं चले छे, आ गुड़ खोलू ने गुड़ उद्योग में कौन बड़का टेक्नोलॉजी छे, पूरा पानी पड़ल छे, गन्ना एक फसल होइ छे जो पानो बाढ़ से बचबै छे, माटि के कटाव से रोकै छे, और गुड़ के जे छे चीनी के बड़ा एक महाराष्ट्र में कोल्हापुर जगह छे जत के चप्पल मशहूर, और कोल्हापुर पे फेमस किया छे गुड़ के कारण, कि अपना मिथिला गुड़ नहीं बना सके छी, गुड़ बाहर से अभी गया किया हमारा बिजनेस किया, क्यों बतेनहार नहीं है, क्यों जगनहार नहीं है, क्यों देखनहार नहीं है, और हम सोचे नहीं छी, हाँ सरकार करते तखने काज हेते, सरकार पाई लगते तखने हमारा उद्योग बैठते, यो अपनों से तो सोचू ना, जहां आके खाना खाइया तो बिजली अगर बंद हो जाए आराम से खाना चल जाए ना तो बुझू के उद्योग धंधा नहीं चलता है, हमारा हमारा सब मैथिल के इजराइल के जीव बना पड़ जे मैथिल छत उनका ध्यान दी किसके फ्रॉम सॉबेवर एक फिल्म जरूर देखी केना इजराइल बनने और केना इजराइल तरक्की कलके, हम मैथिल के पास सरकार से सहयोग की उम्मीद नहीं लेकिन अपन ज्ञान और क्षमता प्रयोग कर सके जी, और मिथिला के आई प्रेजेंट वियतनाम के मॉडल तो बना कर जरूर समृद्ध कर सके छी एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम आके बतवे छी अराउंड 40% फूड लॉस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, मैकिंजन कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क अंग्रेजी में रिसर्च रिपोर्ट छे, हम डायरी में लिख रहे बहुत डायरी से हमारा भेटो नहीं कला लेकिन जो रिपोर्ट छे वो जरूर, अराउंड 40% ऑफ द फूड लॉस रोड इन इंडिया हैपेंस बिटवीन फील्ड्स एंड द एंड कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज द एस्टिमेट एंड फील्ड क्रॉप्स स्पेशली फूड एंड वेजिटेबल्स Vegetable and cereal also. This is a 2017 report of the McKinsey company, one of the world's best management consultancy services organization. मिथिलो में जे छे एक तो खेती के उद्योग लोग नहीं कर रहल छे, जब तक खेती भ रहल छे ओतो इहो चीज नहीं भयल, ई मैकेंजर कंपनी कहे छे अगर फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हम मिथिला के समृद्ध बना सके छी, हम आके केस स्टडी बतबे छी, वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्री बेस्ड जॉब अगर करे छी तो सब्सटेंशियली फूड प्रोसेसिंग के अहा ध्यान देवे तो मिथिला समृद्ध भ जेते, डोंट आई में कोनो संदेह नहीं छे, केना ग्रोथ इन फूड वेजिटेबल इंक्लूडिंग स्नैक्स इन कंटिन्यू आउटप्लेस ऑरल फूड एंड बेवरेज एंड सेवरल फैक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव फर्दर ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 years एंड वी आर नाउ इन द revolution of organic farming as well as middle of the snacking revolution including food processing other product beyond any doubt this is the world unlocking the 1.2 trillion global snacking opportunity and other food business have compounded more than $3 trillion beyond any doubt this is the report of the Lens Beard executive vice president of Empowerment Solutions incorporated law उत्पादन से विपणन खुद करी लाइक सुधा मॉडल की तरह तो भ सकैया और वही के बाद प्रोसेस वर्ल्ड वाइड मार्केट डोमेस्टिक मार्केट के अप्लाई करी तो हम सब हमर अकेला फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जे छे पूरे मिथिला के समृद्ध क सके छे, आई में कोनो संदेह नहीं छे, हमरा याद है हम राजपुरा गेलो है पंजाब में छे ओतो लोग गन्ना के रस का स्टेबलाइज क के अमेरिका भेजली, हम एक फेसबुक में डालने छे कि गन्नो के रस बनावे में बिहार सरकार के लेल हमरा रोड जाम करे पड़ते, हम नहीं केलो है सीधा बात, हम और ध्यान ही नहीं जाइए एक्शन पर, खाली हम गरियाव में रहे छी अब भोज भात खाए में रहे छी और दोसर के नुकता निकाले छी, ऐ चीज पर ध्यान नहीं जाइए, ये फैक्ट से कहे छी हम आके कि इंडियन बियॉन्ड एनी डाउट ध्यान देवे
2050 में टोटल पॉपुलेशन 9 बिलियन हेते, 9 बिलियन आदमी कि मर्सिडीज बेंज या फेरारी कार देखते कि खाना देखते, और तो हम जमीन नहीं छे, पानी नहीं छे, वेदर अनसर्टेन। इधर 14 साल के बाद हम लोग सब पानी के बड़ा विचित्र मार झेल रहे हैं मिथिला में। 20 अप्रैल से लेकर अक्टूबर इंड तक पानी झेल रहा है, वो बड़ा चैलेंज। तै द्वारे वाटर मैनेजमेंट की हम बात करते रही और नेचुरल डिजास्टर, और तखन हम सब गांव के नहीं समृद्ध करवे तो कि फरारी कार सबके चक्कर में पड़े, जहां 9 बिलियन 2050 में एते तखन की हमरा सोचे पड़े। मेन चीज छे फूड, फिर उतवा सेल्टर क्लॉथन क्षमा कर कपड़ा, फिर सेल्टर। फूड बहुत इंपॉर्टेंट छे 50 बिलियन के हमरा बुझाय नए 9 बिलियन पीपल, 9 बिलियन पीपल के फीड कर के, और मिथिला में एग्री पोटेंशियल बहुत छे, कम संसाधन में हम एग्रीकल्चर में बहुत आगा जा सके छी, एमे कोनो संदेह नहीं छे। और रूरल इकोनॉमी भी बहुत पावरफुल छे, किया 65,000 विलेज पूरे भारत में छे, और मिथिला में हमरा बुझाय लगभग 47,000 विलेज छे टोटल। और ओके बाद जे छे, और करीब करीब 60% जीडीपी में रूरल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करे छे, एमे कोनो दुराय नहीं छे। और करीब करीब 30 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर गुड, हाई कंज्यूमर गुड ग्रामीण क्षेत्र करे छे, और मिथिलो के गांव पाछा नहीं छे। आप भोज भात के खर्च देखबे ते दंग रह जेबे, बुझाते ने जे गरीबी छे, त गरीबी के जे पैरामीटर निकलल है, गैस कते चल ले, डीजल कते खपले, ओई बेस पर बैंक में कते डिपॉजिट छे, वो तो कोई बैंकों में खाता नहीं छे, लेकिन बढ़िया बढ़िया पार्टी करे छे। तो हर चीज जरूरी नहीं छे, अर्थशास्त्र के हर सिद्धांत सही हो, अइले दिमाग में नहीं खराब करे हम गरीब छे। हमरा पास की स्ट्रेंथ है, स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी छे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स हमर की है, हम केकरा के आदमी छी, हम गाली गलौज करे छी, हम अनेरे समय पार करे छी, हम कतो अपन संसाधन के हिसाब से कोनो उद्यम नहीं करे छी। आज अगर सुंदर पिचाई आबि जाए ना मिथिला में ना, उनका क्यों ना पुछतन, आज कोनो बिहार सरकार के चपरासी के नौकरी क्यों लग जाए ना, आय वाह ओकर दलाल में भीड़े भी रह जाए छी। ये अपना मिथिला में इस सबसे बड़का दुर्भाग्य छे, आई चीज के बुझो। और जय कारण एता एंटरप्रेन्योर के कल्चर नहीं विकसित भेले, किया मारवाड़ी चमक रहल छे, ओकरा सब में कल्चर छे, ओकरा सब में इकोसिस्टम छे। एता तक सी के प्रहलाद मैनेजमेंट गुरु के बॉटम टू पिरामिड के भी ओकरा बढ़िया अपने ने छे, ओकर अपन इकोसिस्टम छे, एक तरह से वर्टिकल इंटीग्रेटेड एंटरप्रेन्योरशिप छे। फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट वो मारवाड़ी में छे, प्रोडक्शनो अपने करैया और मार्केटो अपने करैया, वह मिथिला में वो बिजनेस मॉडल बनावा पड़त। फ्रॉम द प्रोडक्शन टू मार्केट पहिने पहिने हाँ लोकल मार्केट के कैप्चर करू ना, लोकल मार्केट जो बाहर से आ जो ओकरा आउटप्लेस करू, बहुत जबरदस्त रिजल्ट छे। तो कभी हम पानी पी ले छी, ताबे में अमित जी अपन बेलवर सिटी जे छे एक संस्थान छे जे पूरे बिहार में उद्यमिता के एक अग्रदूत बन रहल छथिन, और वो अहां सबके साथ उद्यमिता के साथ सब की शेयर करता, कनी हुनका सब शेयर कर लो। ओय के बाद हमर प्रोग्राम है अहां के हेल्थ केयर सिनेरियो में, एग्रीकल्चर में हम आगे एक का आंकड़ा छूट गया कोसी बेल्ट के, वो हम बता धीरे धीरे, ताबे अमित जी से कनी हाँ शेयर कर, अमित जी अहां कनी शेयर करियो, और पूरे श्रोतागण जे छत वो बतेता कि केना की छन, बीच में फीडबैक दियो और अपने कर शेयर करो। हम क्या चार न करें, हम 2 मिनट पाइल लग की काबिली छे, 5 मिनट के लिए अखन अनूप झा जी बड़ा नीक जगह बताबे छलखिन। बात छे कि हम सब मिथिला में रहे छे, और मिथिला के जे स्कोप छे एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत पैक छे, कारण कि अखने हम 2 मिनट पहले हम बात केलो कि रोज रोज यहाँ बार छे, यहाँ के जे स्थिति छे वो सृजनात्मक बनले रहे छे, यानी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सो डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी एतो रेगुलर चलते रहे छे। तो विकास के जे स्कोप बने छे मिथिला में वो और जगह कहीं छे नहीं,
प्रॉब्लम यहाँ की छै, झाजी तो कोट कहने छलखिन 2 मिनट पहिने कि एंटरप्रेन्योर के यहाँ पर एक वेव नहीं बन रही है, एंटरप्रेन्योरशिप के एक जैसे रूट में जाकर आ उनका जैसे जगावो के बाद जे छै ना, ई मिथिला में बहुत ज्यादा जरूरी छै। चूंकि मिथिला के लोग के अखनी 2 मिनट पहिने झाजी बतेलो कि शादी विवाह ला लड़िका पढ़े छै, नौकरी ला पढ़े छै, अगर कोनो लड़िका के अगर नौकरी भ गेलै तो ओकर वैल्यू ततेक भ जाय छै कि बाकी के लोग के कोई वैल्यू नहीं छै। लेकिन हम अपना पर गर्व करै छी कि मिथिला में जतेक डेवलपमेंट के स्कोप छै, मिथिला में जतेक क्वालिटी छै, मिथिला में एंटरप्रेन्योरशिप के जतेक संभावना छै, तो ओतेक संभावना बिहार के या इंडिया के कोनो राज्य में नहीं छै। हम 25-30 राज्य के भ्रमण केलौं, लेकिन और जगह जाकर जे अपन स्कोप देखे छिए, यहाँ के श्रम शक्ति के यूज जे छै से दोसर राज्य को कुछ समझ में लिए, और हमरा एतो जे है से विकास के संभावना रही तो कोई काज नहीं भ रहल छै। कारण छै यहाँ कि यहाँ एंटरप्रेन्योर के जैसे मूल डिफिनीशन से हम रूबरू नहीं भ सके अछि। हमरा परिवार के प्रेशर छै, परिग्रह के कारण कि हमर बेटा जैसे नौकरी करता है, डॉक्टर बनते है, वकील बनते है। हमरा कह के मतलब जे डॉक्टर वकील या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट जे छे ओकर कितना परसेंट लोग इन्वॉल्वमेंट नौकरी ले सकले, ओकर एक रिपोर्ट में बताया गया छे कि 6% से लेके 10% के लोग जे छे से वो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकले है, और बाकी के 14% लोग गैर असंगठित रूप से जॉब में, चाहे वो प्राइवेट या अन्य लोगों के यहाँ इम्प्लॉय होके नौकरी या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेते हैं, बाकी के 70% मोर देन 70% लोग वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बता दीजिए कि हमारे पास कोई संभावना नहीं दिखता, क्योंकि बाकी हमारा जीवन 25 साल से लेके 20 से 25 साल के बीच में उनका ये रहता है कि हमें किसी तरह नौकरी ले लेना है, लेकिन ये सब बात संभव नहीं छे, नहीं छे ओकर कारण कि हमरा बचपन से ही माँ बाप दादा दादी जे छथिन उनका परिग्रह पाले छथिन कि हमर बेटा वकील भ जेतै, डॉक्टर भ जेतै, इंजीनियर भ जेतै, कोनो न कोनो मतलब सामाजिक अप्रूवल जे छै समाज में, जैसे हमरा अगर सोशल अप्रूवल चाहिए तो ओहिमे एगो टैग लागै छै कि हमें नौकरी में छै और या कोई गवर्नमेंट में काज करै छै, चाहे वो पानिए किए नहीं पियाबै है, लेकिन हमरा चाहे हम अखन देखै छी कि बाहर में जाग का सब कोई अपन एंटरप्रेन्योरशिप वहां निखार ले छी, खुलन खिलन और फूलन फलन पूरा कॉले छथिन, लेकिन हमरा मिथिला में नहीं होइ छी। मिथिला में एकटा और बात आहा के पता चलत कि कहै छै जे ई मोदी वाला काज जे हम ब्राह्मणों का कोना करब, कोना करब, अहाँ बाहर निकल के देखो तो होटल सब चले जाए, वही में किए नहीं एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ मिथिला के लोग, हम वहाँ बड़ा बड़ा काज करे छी, यानी कि दोसर कोई की कहता है ई चक्कर में हमर जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के जे क्वालिटी छे वो दब जाए छे कि हमर जना कहल जाए छे जे जी जना कहल जाए छे दुनिया के सबसे पैघ बीमारी की तो क्या कहेंगे लोग तो मतलब हम सब जे छे वह चीज देखत रह जाए छी जे दुनिया हमरा की कह रहल या, बस वो कहला पर जे छे अपना आप के वो परिवर्तित कर ले छी, ई नै कि हमरा की केना या हमर डेस्टिनेशन कतो अछि, हम अपना लेल की क सकै छी जैसे कि अपना लेल करैत ओहिसँ समाज सेहो लाभान्वित होयत, हमर मिथिला सेहो लाभ उठायत, और आगा के एगो जे भविष्य होइ छै जे सीढ़ी ऊपर जे चढ़ै छै ओहिसँ जेना एखन कहलियै जे एगो कहल जाइ छै ना वंशानुगत जे छै कोनो चीज अबैत छै, तऽ एगो मानसिकता हमरा अहाँ के समाज में ही फैल गेल छे जे पूर्व में हमर समाज एहन छला त अही तरीका ढर्रा से जे छे बिजनेस हमरा समाज के लेल, हमरा समुदाय के लेल, हमरा मिथिला के लेल अइ छे ने, आय कतो ने कतो ई देखे के छे एग्जांपल के रूप में, आय देखियो कि ओ आदमी जखन पानी के बिजनेस शुरू केले हथिन ओ अपन दोस्त ल चर्चा करैत हथिन त आदमी की सोचैत हेतै, और आय ओ मिथिला में अहाँ घर पर पानी खरीद के पीबै छियै कि नहीं पीबै छियै, आय मिथिला के आय बिंदेश्वर पाठक जी आय जखन ओ चर्चा करैत हेथिन जे हम सुलभ शौचालय के निर्माण करब, आय देखियो चीज
कहे का अभिप्राय जे हमर अहां के सोच जे छे पर डिपेंड कर रहल छे ई उद्यमिता जे उद्यमिता में हम अहां कई तरीका से ई चीज के एस्टेब्लिश करी और जाबे तक मिथिला में तो संभावना इतिक अपार छे। आई सबटा केस स्ट्रेटजी जे छे अनुप जी एखन रखलखिन ह और हमरा लगैए और एखन रखथिन जे संभावना छे मिथिला में हम जै सेक्टर में जै तरफ कदम रखै छिए तै तरफ देखै छिए जे एकदम खुलल मार्केट छे। हर क्यों कहै छथिन मार्केट, लेकिन हम कहै छी मार्केट तो क्रिएट करै के बात छे ना। मार्केट कोनो जरूरी नै छे जे बनल बनायल आबि रहल छे। अहाँ मार्केट बनबियो ना। आय पटना में एको गो मॉल नहीं छले। प्रकाश झा जी के अपना मन में अलन और ओपीए में मॉल बना दिलखिन। आय देखियो पटना में बहुते मॉल भ गेले कंपटीशन में। आय अहम तरह का मिथिला अपन क्षेत्र में बहुत छोट छोट चीज एहन एहन एग्जाम्पल आबि रहल छे जेकरा देखा देखी बहुते आदमी बहुत काज स्टार्ट कर रहल छथिन। आय जना एफपीओ के बात बारे में बात केलखिन। हम चूंकि मिथिला के लगभग जिला से हम कनेक्टेड रहित छी तो एखन बनगांव जे छे सहरसा में बहुत समृद्ध गांव मानल जाइत अछि। ओतय सेहो एगो एफपीओ चलित अछि। मित्र छथि हमर प्रसेनजीत झा जी जे एफपीओ चलबै छथि। और ओतय के जखन हम बारीकी देख रहल छी जे मशरूम के खेती और ओतुका ग्रामीण इकट्ठा क के और मशरूम के खेती कर रहल छथिन और एहन एहन चीज को देखा रहल छथिन और सम्मान उनका जे सम्मान भेट रहल छन त कहि के प्राय हम अगर एहनो काज आब समय बदल रहल छे आब ओ समय नहीं रहले। जरूरी छे मार्गदर्शन क एगो सही तरीका से एगो मार्गदर्शक क एहि दुआरे कि हमरा अहाँ के एखन ओ प्लेटफॉर्म नहीं भेट पाबि रहल छे जैसे कि एगो सही और गलत का हम निर्णय कोना लो सकी कई तरीका से हम स्टेप उठा भी तो कतो ने कतो ओहो भ्रम के एगो विषय छे जे के कारण से आदमी पलायन कर रहल छथिन और कहे छथिन जे नहीं हम ए चीज का नहीं करब। आ कोनो भी चीज जामे तक स्टार्ट अहां जखन करबे त कनी परेशानी जरूर होइत छे लेकिन वह धीरे धीरे जखन स्टेप पर आगा बढ़े छे तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक छे जे वो बढ़िया होइत चल जेते। तो एखन ई जे स्ट्रेटजी जे हमरा सबके बतेलखिन जे एतेक सुंदर गहन शोध केलखिन अनुप जी और हम चाहबे जे एहन तरह के स्ट्रेटजी सब हमरा मिथिला में एहन तरह के प्लेटफॉर्म सब पर आबे जैसे कि जते केओ जे केओ सुन रहल छथिन जे केओ देख रहल छथिन हुनका एहिसँ लाभ भेट सके। और हम अनुप जी से सेहो आग्रह बार बार करैत छियनि निवेदन करैत छियनि जे एहन तरह के शोध पत्र सब हमरा सबके बीच में समय समय पर आबि के राखैत जैसे कि हमर समाज ऐसे लाभ उठा सके। जी अनुप जी अपने एहि चीज के आगा बढ़ाबिए अपन शोध के और जे मूलभूत संरचना सब छे अपना मिथिला में एखन आय देखै छी पर्यटन स्थल के विषय में अगर बात करी एक से एक जगह छे एक से एक उद्यम छे। आय मिथिला मखान के बात करियो आय पोखर के जे कहल जाय छे पान माछ मखान ई सब जे छे मिथिला के जे छे एगो पर्याय छे त एहि विषय में जे संभावना तो अपार छे इकोनॉमिक एनालिसिस सेशन छे प्रोजेक्ट केना हेते वो हम बाद में अमित मधुकर जी के साथ फिर वेबिनार में अपने छोट सब्जेक्ट तो है ही नहीं एक एक सब्जेक्ट के साथ आज जो मिथिला में उद्यमिता जो टॉपिक है उस टॉपिक में की मिथिला में भ सके छे ओय पर प्रचार चल हां तो कने हम पाइन के चल गेलौ है और हमरा बहुत निक लागल जो सुई सुई भी आहा सब के संगे शेयर केला है। हमर तो छोट भाय छथि हम तो अपन छोट भाय बहुत दिल से मानै छियै और हम नजदीक से देखने छियै कि केना ई संघर्ष क बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई के काज कलखिन है एक रहुआ संग्राम कोन बेल्टू टू गांव नहीं छे झंझाटू बिच के अल्ट्रा बैकवर्ड बिच छे इकोनॉमिकल बैकवर्ड छे माइंड सेट में बैकवर्ड छे। अगर माइंड सेट बैकवर्ड तो सुन सुन जी आज मुंबई में उदित नारायण जी कितने का बचा क्या होते हैं या अनुप जलोटा जी से नहीं करते हम हिंद का यो एक स्पार्क छे बहुत बड़ी बात छे
अगर स्पार्क अहां में रहल तो अहां किछ कर सके छी। सपना उ नहीं होइ जे अहां के राइट में होइ, सपना उ होइ जे अहां के राइट में सुता दे। बिल्कुल ठीक है। सोचने से मंजिल मिलती नहीं, मंजिल के लिए चलने के लिए चलने का जिद भी जरूरी है। मिथिला के ओजी चाहिए और सुनी सुमन जी एकर साथ जी 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 तो हम क्षमा प्रार्थी छी जे हम इनका रोके छियन। अपने के लोगन इनका अक्सर हाँ प्रोग्राम में देखे छी। आई हमर विशेष एक विशेष इंटेलेक्चुअल बिस्ट प्रोग्राम छे और इन केवल हमरा डॉक्टर प्रकाश झा अखन अलग से वेबिनार में शामिल छ। वो कहल कि सर जी हमरो अचानक वेबिनार हो गला, टाइम क्रैश हो गला, हम रिकॉर्डेड दे वो रही था आके साथ। और तब बाद हम आई एग्रीकल्चर के बाद हम सुमित सुमन जी से पूछबन किनकर किनकर कमेंट एलन है, किनकर किनकर क्वेश्चन एलन। उसके बाद हम आई सेक्टर में जा, फिर हेल्थ केयर सेक्टर में जा। जे छूट गया एग्रीकल्चर में, कॉफी बेल्ट में हमर पिछला किस्म जी पाछू पड़ल रहता। वो कहता है कि सर जी तो कोसी बेल्ट देखबे नहीं करके खाली समस्तीयेपुर देखे और अपन मातृक राजनगर देखे मधुबनी देखे दरभंगा देखे कोसीयेपुर नहीं। हम कृष्णा जी के शिकायत के मौका नहीं देवे। डेफिनेटली कोसी कोसी नहीं है, कोसी में अपार संभावना। अकेले कोसी में मक्का के उत्पादन से 2018 तक हमारा रिपोर्ट है केवल मक्का मक्का से 1000 करोड़ के बिजनेस टर्न ओवर भेले। कनी अहां सब आर फोकस करियो, क्लस्टर बेस पर अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर मक्का पर हाथ खोले छी तो 5000 करोड़ के टर्नओवर हेतै। केना मक्का से सॉर्बिटॉल बने छी, मेजर फार्मास्यूटिकल सिरप सॉर्बिटॉल से बने छी। मक्का से अहां के ग्लूकोज वाटर बने छी जहां धोके छी बिहार के हॉस्पिटल में दूटा फूस के मकान में ओ तो पहिने ग्लूकोज ओ मक्के से बने छी। वही के बाद जब बचत अहां के कैटल फीड पोल्ट्री फीड एते तक यहां स्पेशलाइज फूड भी बना सके छी। हम अखन एकटा स्पेशल फूड प्रोजेक्ट के माइंड में हमरा दिमाग में आयल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में। अखन वो टेक्निकल बात छै, वो अखन हम शेयर नहीं कर पाए लेकिन जखन आ तो बता। कुल मिलाकर अगर कोसी बेल्ट में मक्का आधारित जॉब कैल जाए तो कोसी के बेल्ट पूरा समृद्ध भ सके। एक बात हम 2011 में टिक्की के सेमिनार में करे रही इंडो आसियान बिजनेस कंक्लेव में कि पूर्णिया के गेटवे ऑफ आसियान ट्रेड बना दी, इंडो आसियान के गेटवे पूर्णिया में बना किया। उत्तर से म्यांमार नजदीक है, म्यांमार के बगल में थाईलैंड नजदीक है, थाईलैंड के नजदीक में इंडोनेशिया नजदीक है, फिलीपींस नजदीक है, इंडोनेशिया के नजदीक में सिंगापुर नजदीक है, ब्रुनेई नजदीक है। लुक ईस्ट आसियान पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी में पूर्णिया सबसे बेस्ट गेटवे भ सके छे। ई झा एसोसिएट के अपन रिसर्च वर्क छे, ई गूगल से नहीं है। हमरा दुख होइया 2004 में हम मखाना के जीआई टैग के एडवोकेसी केले रहूं इन अपेक्स इंडस्ट्रियल चैम्बर में। 2020 में उठले बेशक बिहार मखाना केले गलती है आके, अगर हम मगध मखाना बनबे छी तो बिहार मखाना बनाओ तो की दिक्कत है। मगध के पान नाम दे छी वो तो बिहारे में छे तो बिहार पान नहीं देलो, वहां पान तो मिथिलो में होय छे पान मगध में नहीं होय छे। लेकिन मिथिला मखान के 2004 में हम कहलो अपन कोनो छोड़ो बिहार के बाद अपन मिथिला के कोनो नेता, मिथिला के कोनो बुद्धिजीवी, मिथिला के कोनो लोग इंटेलेक्चुअल्स, मिथिला के कोनो संस्थान हमरा ओई बे समर्थन नहीं कलन आ आप रगड़ रहे थे। बुझाइए मखान 2020 में पैदा भेले, मखान 700 साल से चल रहा है सौराठ के मुताबिक। जहिया जहिया कोजागरा भेले तहिया तहिया मखान भेले, पान माछ मखान तो हमर अछि। लेकिन दुख के बाद है कि हम कुंभकर्ण आसन में सुतल रहलो, आज जी आई टैग के लिए मुश्किल है। हम धन्यवाद दे छियन हमर अभिन्न छोट बुझू या अपनत भाई बुझू मनीष आनंद झा के, एक रियल आइडियल मैथिल आइकॉन छ जे लंदन के नीक नौकरी छोड़ कर अपन मिथिला के
फूड प्रोडक्ट पर एग्री प्रोजेक्ट पर काज कर रहा छ एक सही मायने में वो अकेले कते कते जुज का एक ईगल की तरह वो काज करे छ कोनो सेफ जोन में नहीं छथु। आई वो मिथिला मकान के जो मिथिला अच्छा छे 60 लाख घर में भेजला और 5 करोड़ के टर्नओवर छ और मनीष आनंद जी के हम तैयो धन्यवाद देवे जे उनका कारण कतेक लोग मखाना में उद्यमी बिहार में बनला उनका देखला के बाद हम उनका से तय समय में जुड़ल रही जे समय वो शुरुआत के छल के हमरा संगे अमितो मधुकर हुनका ओत गेल रहथे के झूठ बात नहीं छे तब कोसी बेल्ट में अगर किसला कृष्ण जी अगर हेता कोसी क्षेत्र के जत्ते के लोग बुद्धिजीवी हेता अमरेंद्र झा हेता कोसी क्षेत्र के जत्ते इंटेलेक्चुअल हेता पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री के नाम से तो कृषि विश्वविद्यालय के बात बनल है वो हेता वो जरूर ध्यान दत अकेले मक्का से पूरा कोसी क्षेत्र के इकोनॉमी बदलल जा सके छे। दोसर गेटवे ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी पूर्णिया में खोलल जाओ तो पूरा मिथिला के भाग बदलल जा सके छे। और तेसर जे सबसे बहुत महत्वपूर्ण छे वो बाद में हम बताएं कि एहन बात नहीं छे जे पूरा क्षेत्र मिथिला के संभावनाओं से उत्पूत छे। वो टूरिज्म सेक्शन छे, सेंसस सेक्शन छे, एमएसएमई सेक्शन छे, एमएसएमई सेक्शन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छे 5% टोटल जीडीपी के कंट्रीब्यूट करे छे, 16% गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रीब्यूट करे छे और 16% आहा के एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करे छे। एमएसएमई के बहुत प्रकार होय छे, अगर हम एमएसएमई पर फोकस करी तो बहुत चांस छे एमएससी एस एग्री सेक्टर पर भी पास हो छे। पहिने अहाँ एग्री सेक्टर में चलू ना, जे अहाँ के पास है साधन ओहि पर चलू ना, हवा में किला नहीं बनाबे के छे, आगे जे साधन है ओहि पर अहाँ के रास्ता बनाबे के है, वह सबसे नीक स्ट्रैटेजी होय छे। बाहर के चीज अहाँ सोचबे तो एतेक जल्दी नहीं है, पहले अपने आप में प्रूफ करो पड़त। खैर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, पूर्णिया से लौकर चंपारण तक जमी बेल्ट कनी सब छोड़ दियो, ये सब बांका ये सब बेल्ट कनी छोड़ दियो, उमर सोलर पावर के संभावना बहुत छे, खुल सके छे, वो हम वही जगह छोड़ने। मुंगेर में अहाँ के डिफेंस अहाँ जो साल्ट बनवाई छे देसी कट्टा बनवाई छे मुंगेर में किया, अहाँ डिफेंस के वेंडर बनू ना, डिफेंस के डिफेंस सेक्टर बहुत जबरदस्त ओपनिंग छे, पूरा आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस एक बहुत बड़का एवेन्यू छे, मुंगेर ओहिनो साधन संपन्न छे, अगर देसी कट्टा रिसर्च बनाबे में जे अहाँ ऊर्जा खर्च करे छे अहाँ डिफेंस सेक्टर में ऊर्जा खर्च करियो ने, अहूँ अकेले अहाँ डिफेंस सेक्टर से मिथिला के भाग्य बदल देवे, दिस इज द करेक्ट। ये झा एसोसिएट के एक्सप्लोरेशन छे प्रमुख बात जे हम सब बिसर रहल छी। आदि अनादि काल सौ अंतम सर्जरी के जनक रहथिन सुश्रुत संहिता आयुर्वेद, वो आयुर्वेद के हम सब विषय गेलौ और आयुर्वेद के बिसरला के कारण हम हेल्थ केयर में भी बहुत पाछू भेलौ। आयुर्वेद के एक एतेक संभावना छे कि 2050 तक में $5 trillion के ग्लोबल इकोनॉमी छे, जै में अकेले अमेरिका 41% आयुर्वेदिक उत्पाद के इस्तेमाल करे छे और 20% यूरोप इस्तेमाल करे छे, और जबकि हम सब मात्र ढाई परसेंट पूरे भारत हर्बल प्लांट के उत्पादन करे छे। बहुत एहन एहन कैंसर प्रोडक्ट है जो हर्बल एक्सट्रैक्शन के लिए अप्रूव मिले है, कोरोना में आयुर्वेद एतेक नीक काज कलके जे हम बुझाइया कि अंग्रेजी सिस्टम पे ही काज करें, मैसेंजर आरएनए के जतेक हमर जे पारंपरिक इम्यून सिस्टम वाला हर्ब्स रहे वो काज केला क्या क्या आयुर्वेद के अहाँ सब नहीं तो ओकरा बिसरियो। हेल्थ केयर में भी बड़ा मिसफिट छे, हम हेल्थ केयर सेक्टर में ओकर परिचर्चा करब। पूर्णिया से लेकर चंपारण तक में एक हर्बल मेडिसिन के भी अहाँ प्लांटेशन से लेकर फ्रॉम द फील्ड से लगा मार्केट कर सके छी, और हेल्थ केयर में मिथिला के बिहार के न केवल पूरे भारत के न केवल पूरे दुनिया के भी अहाँ एक हेल्थ केयर में अपन एक स्थान बना सके छी। तो हेल्थ केयर सेक्टर के इग्नोर निकल जाए किया हम एहि दुआरे कहे छी
कि ये बहुत नीक छे और कम संसाधन में ये आगा बढ़ावे में हमरा इन मील के पत्थर साबित करत। अगर अहाँ हेल्थ सेक्टर में आवे छी तो रूरल टूरिज्म भी सेक्टर विकसित हेतै, रूरल वेलनेस सेक्टर भी विकसित हेतै। आई के माध्यम से बाद में हम बता वेलनेस इंडस्ट्री और सिकनेस इंडस्ट्री में की फर्क छे हेल्थ केयर सेक्टर में। टोटल इकोनॉमी भारत के $2.56 ट्रिलियन एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे कंक्लूड टू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर $1.8 ट्रिलियन भर सके आधा देखियो 70% रोजगार के हानि कर सके और ये $5 ट्रिलियन और अ पर हम सब अखनो काज नहीं कलूँ है, नहीं सोचलूँ है, नहीं सुनलूँ है, नहीं समझलूँ है और नहीं हम ओकर मार्केटेड कलूँ है। अखनो प्योर चीज नहीं भेट रही है। हर्बल सेक्टर भी हमारा बुझाए या मिथिला के लिए नेक्स्ट बून है तय किया। हेल्थ केयर सेक्टर बताब एक जबरदस्त इकोनॉमिस्ट बतलखिन है अखन बताब तो गड़बड़ भ जाए। अखन हम आई के बाद तुरंत हम आईटी सेक्टर जा फिर हम हेल्थ सेक्टर में जाब कहीं एक मिनट के लिए हम विश्राम ले। हम सुमित सुमन जी से आग्रह करबन कि कमेंट्स केहन केहन ऐलन है, नीक ऐलन है कि बेजाय ऐलन है, कि हम अधला छी, कि मरला छी, कि सरला छी, तो हमरा श्रोता गणों से ही पता लगत। कहीं कहियो सुमित जी कमेंट्स के बारे में जी, जी 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 बहुत सुंदर अहाँ के स्वागत में जे छे कमेंट्स के तो एकदम बौछार लागल है। हम बताबी रवि कौशल जी, सुनीता झा जी, श्रवण कुमार जी, राज योगी जी, प्रमिल कुमार मिश्रा सर, मिथिला हरिपन और ब्रह्मानंद झा जी, रघुवंश कुमार दास जी, केशव झा जी, पंडित अनंत ठाकुर जी, सतीश चंद्र सजल जी, मोनू बाबू, इंदु भूषण झा जी, आनंद मोहन झा जी, डॉक्टर कन्हैया झा जी, नंदलाल सिंह जी, डॉक्टर प्रतिभा स्मृति जी, महेश झा मैथिल जी, विमल जी मिश्रा, आशीष मिश्रा, संतोष कामत, राजेश कुमार जी, मतलब कमेंट्स का जे छे झड़ी लागल है और सब आदमी का एतेक प्रभावित भ रहल छथि जे राजेश कुमार जी लिख रहल छथि हम मिथिला के गौरव के आगा बढ़ाओ। आशीष मिश्रा जी लिख रहल छथि मिथिला के आइडियल छी। तो एहन तरह के अहाँ के प्रशंसा में स्वागत में जे छे डॉक्टर कन्हैया झा जी लिख रहल छथि बहुत सार्थक समाजोपयोगी मिथिला के उत्थान लेल नीक वेबिनारक आयोजनक लेल सिमर फिल्म्स आ चिरंजीव सुमित जी के सह धन्यवाद और शुभकामना। डॉक्टर प्रतिभा स्मृति जी लिख रहल छथि शहर से गाम के तरफ और एनाहिए नीक नीक कमेंट सब जे छे से आयल हँ काफी। सतीश चंद्र सजल जी लिख रहल छथि बहुत सुंदर एवं सान्दर्भिक विषय पर व्याख्यान अछि, बहुत आकर्षक और अपने के जे रिसर्च टॉपिक छे मिथिला में उद्यमिता के बारे में जे बहुत प्रभावी और एखन का समय के ई मांग छे और ई जरूरी छे जे एखन ई समय में चीज पर ई प्लेटफॉर्म से या एहन तरह के मिथिला के अनेको प्लेटफॉर्म से ऐ चीज के सामने आनल जाए एहन तरह के वेबिनार के और डिजिटल माध्यम से लाइव के माध्यम से सामने जे छे जागरूक कैल जाए जे हमरा मिथिला में अपार संभावना है। कोनो जरूरी नहीं छे हम सब दू वक्त के रोटी के लेल जे छे सिर्फ हम एगो बहाना बना के पलायन कर ले छी, कोनो जरूरी नहीं छे। ओ चीज हमरा मिथिला में सेहो प्रचुर मात्रा में बस कदम आगा बढ़वे के जरूरी छे। कनी स्टार्टिंग में जे छे स्टार्टअप लै के लेल कनी परेशानी जरूर होय छे, किछ दुनिया सेहो कहे छे, सर समाज सेहो कहे छे, लेकिन हम पूर्वे में कहलौं जे दुनिया के अगर सबसे पैघ बीमारी के बात करे छिए तो क्या कहेंगे लोग। तो किछ एहन तरह के स्टेप लै के लेल ई दुनिया के किछ दिन के लेल किछ देर के लेल बिसर जइयो और वो स्टार्टअप लियो और वह चीज जे छे अबे वाला समय में जखन अहां सफल भ जेबे तो प्रशंसनीय होय छे, सराहनीय होय छे। ते दुआरे एत कदम बढ़ाब और अपने सब एहन विद्वत जन से अपने सब एहन रिसर्च छे शोध छे वो चीज का हमरा सब के सामने हमरा मिथिला के सामने अननाय बहुत जरूरी छे जैसे कि जे एहन तरह के किछ प्लानिंग कर रहल छथि
हमर मिथिला के युवा सब जे एंटरप्रेन्योरशिप में हम जाए एहन तरह के एक्टिविटी से जुड़ी हुनका ए चीज से लाभ भेटे एगो रास्ता भेटे एगो मार्गदर्शन भेटे ए चीज के हमरा चूंकि हम मिथिला में बहुत घूम रहल छी घूमलों हं त कतौ न कतौ हमरा अपनो ई अनुभव होइत रहल हं जे एगो सही मार्गदर्शन के अभाव में पीछे एगो शिक्षक एगो रास्ता अगर सही से नहीं बतेते त कतौ न कतौ निश्चित छै जे ओ कठिन बुझाय छै बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हुनका नहीं छन तो कतौ न कतौ हुनका ई लगे छे जरे ई बहुत भारी छे बहुत जटिल छे तो ओय चीज के लेल आदमी आसान तक के लेल चाहे छथिन जे कतौ अगर हम नौकरी कर ले छी तो बस हमर लाइफ से क्योर भ जाय ओ अबे वाला दुनिया अबे वाला भविष्य अपन मिथिला के या पूर्व में किछे ओय चीज से कखनो कंपेयर क के ओय चीज के केना हम आगा बढ़ा सकी केना समृद्ध समृद्धता के बात क सकी से नहीं क पावे छथिन आइ देखियो एखने पेपर में जे देखलिए जे बिहार में कतेको जिला जे छे ओ गरीबी रेखा से बहुत कम आबि रहल छे त आइ इस एहन नहीं छे जे समृद्ध नहीं छे आइ मिथिला समृद्ध नहीं छे एहन बात नहीं छे लेकिन कतेक परसेंटेज आइ जे समृद्ध छथिन ओ और समृद्ध होय ले जा रहल छथिन ओ एहन तरह के मार्गदर्शन अपन गरीब के नहीं दो पाए रहल छथिन जे भाई ई बीच के खाई के त मिटबे पड़ते ना जाबे तक ओ गरीब जे छे ओकरा ओ जागरूकता नहीं हुनका में आवल जे काफी आ गया जी जी ओके सुन जी जी बिल्कुल हां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जे चिट्ठी आई है मरे दिनों के बाद करता हूँ कि फॉरेन के लोग कहे छथिन जे आईटी में संभावना नहीं छे मिथिलों में भी आईटी भ सके छे और हम जे बात कहा वो बिल्कुल आईआईटी पटना और एनआईटी पटना में वही बनने वाले वही सब पहले हम दूटा बात कर इवोल्यूशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया के पर एक गौर करूँ तखन आगे आईटी पर बनत हमारा एक पालन था छात्र रहे छे बेंगलोर में ग्लोबल मैटी के सदस्य और बढ़िया इंजीनियर छे सब इंजीनियर यो हम नेहरा में कहाँ कहते भाई अपॉर्चुनिटी नहीं छे तो मिथिलो में भी लोग आईटी कर सके छे निसंदेह बिहार सरकार इस्कोमान बिल्डिंग में 25 आईटी एंटरप्रेन्योर के जगह देलके वो बेसिकली श्री बाबू के इस्कोमान बिल्डिंग जो बनल बिहार के किसान के समृद्ध करल है बिल्डिंग बनल उन्हें बोले लेकिन आईटी सेक्टर में हम केना किए थे अपना ढंग से हम बता रहा छी ध्यान एसोसिएट के अपन रिसर्च है वो बता दे और जितना हम पर संभावना ढूंढा के छे से हम बता जे अखन तक कोई भी आईआईटी बिहार में एक आईआईटी पटना छे एनआईटी पटना और लगभग 11 या 12 इंजीनियरिंग कॉलेज छे हमरा बुझाय 12 या 15 यूनिवर्सिटी छे ये पर आई पर अखन तक गौर नहीं कल है और बड़ा ध्यान से सब गोटा सुनो भ सके मैं अंग्रेजी ओवर छे और वो हमर डॉक्टर जितेंद्र झा अबे आयल छला इंटेल कॉर्पोरेट के वो अगर रहता ध्यान से सुनत इस चीज के कि अमेरिका या जर्मनी या जापान के तो भी रहत तो वो सब ध्यान से सुनत और मिथिला से भी एक उद्यमी एक हमारा भैया तीन उद्यमी हैं जिनके लैंडमार्क है अहाँ सब नाम बतबियो ना अपन कमेंट बॉक्स में सुमित सुमन जी हमरा बतेता कि कौन एहन छे मिथिला के नारायण मूर्ति के अछि जे कम संसाधन में कॉलेजों नहीं गेला स्कूलों नहीं गेला और बहुत नीक जका बहुत सामान्य स्कूल और सामान्य कॉलेज में पढ़ कर वो एक उद्यम स्थापित केला और वो कतक के छत कौन जगह के छत और कितना उद्यम स्थापित केला आईटी प्रोफेशनल के ध्यान आप कमेंट बॉक्स में दी ये क्वेश्चन छे और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में कमेंट आवक चाहिए नहीं तो गूगल से सर्च कर लगा तो फिर बता यो हम सब बिहार के छी हम सब अखनो कलम काठी नहीं छी और लिखना से लिखे छी हाँ हमारा सब अखनो मोबाइल नहीं है लैपटॉप नहीं है अखनो हम डिजाइन अहाँ देखबै कि हम मैथिली में पंडित बकलोल झा के कलम काठी से लिखे छी किया हम सब बकलोल छी प्रतिमा शक्ति छी है ना तो 5 मिनट के अंदर गूगल ने सर्च करा के छै हमरा नाम आवाक चाहिए सिमर फिल्म इंटरनेशनल स्पेशल अप्रेजल अवार्ड देता लक्ष्मीनाथ गोसाई के फिल्म बनना के बाद प्रोग्राम में बना हुनका विशेष रूप से सम्मानित कयल जेतै जैन एसोसिएट के तरफ से सम्मानित कर लेते हैं बेल वर्सिटी के सम्मानित मात्र 5 मिनट में मिथिला के नारायण मूर्ति
के छठ वो अपने नाम दी हमरा बुझाए 7-59 है हम 8-63 के बाद कोनो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करवन सुमित जी आहा के जिम्मेदारी देखवा के लेके आज कल लोग गुगल से सर्च हम तो नहीं सी रहा हमरा तो वही जाना हम लोग उसके सर्विटर निकले जा बस करा ला भागलपुर यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के रहती और आईआईटी खड़गपुर से एमएससी केमिकल केमिस्ट्री से केला है पीएचडी उम्र से केला है हमरा मोरवे के छत तो हम लोग गूगल से देखा लागल जो सर्विटल मकईयो से निकले छे एहनो स्थिति छे सच्चाई बतबै छी तो 5 मिनट से बेसी टाइम नै दे आउ जा सकते कि इवोल्यूशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री अगर बुझ जा और संभावना बुझ अगर एंटरप्रेन्योर छी तो संभावना पहिने ताक पड़त तखन बिजनेस आइडिएशन इंक्यूबेट हेतै तखन ओकर रोड मैप बनते तखन ओकर मैसिव एक्शन प्लान बनते बगैर संभावना के मैसिव एक्शन प्लान नहीं बनते आहां के नहीं देखा लिया कुल्लू में लोग फ्रिज ले छे तो संभावना पर गौर करी अपने केयरफुली ध्यान से सुनी इवोल्यूशन ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया और क्षमा कर कि कनी अंग्रेजी में हाल मैथ्यू साथ बता कि एकदम से फ्लो कर तो डिस्टर्ब है ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमरा संगी देला हा विवेक आत्री चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द चंडीगढ़ आर्किपार्क और चंडीगढ़ में जते भी आईटी डेवलपमेंट है वो हुनके मार्फत से भेटल और कालका कोई एसडीएम रहथिन हमर अभिन्न दोस्त रहथिन हरियाणा परशुराम सभा के वो हमरा जनरल सेक्रेटरी बनाबे में उनका बहुत बड़का हाथ रहन और 23 साल के आईएएस के जॉब केला के बाद अपन लोग आत्री आईएएस स्टडी सर्किल पंचकुला में खुल गए आप बुझल हो तो हम पंचकुला निवासी छी सन 1989 से हम पंचकुला में छी इमर 6 साल से हम गहराई से गांव में रहलो है हमर बाबूजी बेटी रहन तब हम सोचलो है कि यह समय ए, अपना मिथिला से जुड़ी अपना मैथिली से जुड़ी कहानी होना तो बड़ा लंबा छे समय हम नहीं ले तो इवोल्यूशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री अंग्रेजी में ओकरा हम मैथिली में हम अनुवाद करें चलो त्रुटि पर नहीं जा बेसी बुधियारो बनना नुकसान करे भाव देखो संभावना देखो लोग कहते आहा के मैथिली जे है दक्षिणाहा वाला है तो कत मैथिली शुद्ध छे हो जान मैथिली है के अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं भोपल है तो भाव पर चलियो हम मैथिली बाज रहल छी यहाँ पर की बात खैर ताहि लगे त्रुटि पर नहीं ध्यान दे वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर छे रिसर्च बेस्ड लेक्चर छे और एक काफी गहराई से निकलल छे The start IT firm which would be conceived मतलब गंधर्व वो विचार पनप लेगा पहले विचार माइंड में आवेज start IT firm which would conceive create and sell product starting from 1980 onwards 1980 के बाद भारत में आईटी सेक्टर के एक बुनियाद पर भारत रत्न जहांगीर रतन दादा भाई टाटा जे आर डी टाटा फकीर चंद कोहली के कहलखिन भाई कंप्यूटर पर सोचना होगा अब आहा कंप्यूटर पर सोचू आगू जे समय छे वो कंप्यूटर की छे फकीर चंद कोहली कहलखे हम तो मैकेनिकल इंजीनियर छी हमरा कंप्यूटर नहीं बुझाबैया तन जे आर डी टाटा कर हम निसंदेह मैट्रिक पास छी हमरा पता है आगू समय कंप्यूटर के दे 1980 के बात छी हम आगे अहाँ इंजीनियर तो छी एम आई टी के प्रोडक्ट तो छी अहाँ करू और ओहि समय से टास्टा कंसल्टेंसी सर्विसेज के स्थापना भेलै और आई टी सी एस आई टी सेक्टर में न केवल भारत में लीडरशिप रखे छी बल्कि पूरे एशिया में लीडरशिप रखे छी टी सी एस एक आर सब गोटा के रास्ता बनलै वही में एन आर नारायण मूर्ति अपन कनिया से सुधा मूर्ति से उनका डॉलर बहु उपन्यास पढ़ गए 10,000 रुपया लौ कर शुरुआत कल 1981 में आई 2014 तक में 7 बिलियन एंटिटी थे वही टाइम 1986 में विप्रो वही टाइम से विप्रो भी शुरुआत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से नहीं कर बीपीओ से कर
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस की छे एक तरह से इंटरमीडिएटरी जॉब छे, कोनो थर्ड पार्टी के अहां बिजनेस कंस्टिट्यूट करै छी, ओकरा आईटी से एनेबल कर दै छी, दैट इज कॉल्ड बीपीओ। एक एक असेसमेंट बता टाइम लागत कनी हमरा, क्योंकि हर एक क्षेत्र जे छे बहुत, और तखन 95 में देवांगन मेहता नैस्कॉम फाउंडेशन लगल। नैस्कॉम फाउंडेशन कैटलिस्ट के काज कल के आईटी रिवॉल्यूशन में, वही के बाद आईटी बढ़त गले बढ़त गले बढ़त गले, और आईटी जेम एंड ज्वेलरी के रिप्लेस करके अखन आईटी मेन सेक्टर छे डॉलर इनकम में करीब करीब मोर देन 100 बिलियन मार्क आईटी के बदले, और आगू संभावना छे, चैलेंज छे आईटी ध्यान दो, डोमेस्टिक मार्केट का ध्यान रखता। एस एस गोयनका टैली 1986 में शुरू करी, और जोर लगाने के बावजूद भी वो करीब करीब 2014 में जब तक एम्फासिस 7 मिलियन पहुंच ले, ये मुश्किल से 100 करोड़ पर पहुंचे। ध्यान दो चैलेंज ले, लेकिन चैलेंजेस चैलेंज अच्छे, जहां अमेरिका के धरती पर आग को श्रीधर बेम्ब 5 साल पहले लखेन जो कॉर्पोरेशन वेब बेस्ड को क्लाउड कंप्यूटिंग, वही समय से एक रेवोल्यूशन शुरू भेल है चेन्नई से शुरू करके, श्रीधर बेम्ब जो कॉर्पोरेशन मोर देन 100 मिलियन यूएस डॉलर प्लस करके किया पहले से हुनकर क्लाइंट रहे। जे हमर प्रवासी मैथिल छत वो उम्हर काज करत भी आईटी के प्रोजेक्ट कर सके छत। एकटा हम आके केस स्टडी दे छी एरगोस किशोर छा बासुपट्टी के, बासुपट्टी मधुबनी के बिल्ड से, और मधुबनी बिहार के सर्वाधिक आर्थिक रूप से पिछड़ा बिल्ड से। हमर मनीष आनंद जी और डॉक्टर कैलाश कुमार जी झगड़ा, और जतेक हमर मधुबनी के लोग सब, हमर मातृ के लोग सब, हमर माय सब झगड़ा कर रहा है हाँ मधुबनी के दूसरी छे नहीं, प्रकाशो झा कर दी नहीं, ये सच्चाई छे। वो बेंगलोर में रह कर मुजफ्फरपुर बेगूसराय और समस्तीपुर में 38 टा वेयर हाउस खुललखिन, ओकरा आईटी से लिंक कलखिन, क्रेडिट लिंक भी कलखिन, एरगोस नाम छोड़ा, और 58 करोड़ के वो बिजनेस कंस्टिट्यूट कल के। अगर बासोपट्टी के लड़का कह सके छे बेंगलोर में रह कर, तो अहाँ सब आईटी प्रोफेशनल काज को किया नहीं कह सके छे मिथिला में। मान लीजिए बीपीओ कठिन छे, केपीओ कठिन छे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बड़ कठिन छे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग के अब जमाना आबि रहल छे, तो भा सकैया कि गार्टनर और फॉरेस्टर की रिपोर्ट छे कि आईटी सेक्टर में अगर चैलेंज आबि गेले तो चैलेंज मिटिगेट करे के कते संभावना छे। अफ्रीकन देश, अफ्रीकन देश में आईटी एनालिसिस गार्टनर तने केला है, ने फॉरेस्टर केला है, नैस्कॉम फाउंडेशन से बात भेल है कि अगर अफ्रीका कंट्री में अगर काज करी, अफ्रीका कंट्री में अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काज करी तो 300 बिलियन यूएस डॉलर के स्कोप थे, और मिथिला एक सबसे बढ़िया भूमि छे, आइए ज्यादा नहीं छे, अपन मैथिल अंग्रेजी बाजम में तेज छी, कंप्यूटर सीखम में तेज छी, जल्दी ककरो भाषा सीख ले छी, तो आईटी बहुत बड़का मील के पत्थर साबित हेतै। आई ऑनलाइन आईटी से हमारा डॉक्टर जितेंद्र झा बतेला इंटेल से कि एक्यूरेसी और स्पीड और इफिशियंसी तीनों भेलै होम बेस्ड जॉब सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो किया ना एकदम आईटी भाषा के छे अगर अहा अफ्रीका में डेवलप करी तो। और सबसे प्रमुख बात मॉरिशस भारतीय संस्कृति और विशेष कर बिहार के संस्कृति और विशेष कर भोजपुरिया माटी के संस्कृति छे, और बिहार से अपना अपन जो मैथिली और भोजपुरी में कोई फर्क नहीं छे। अगर उत्तर लॉन्चिंग पैड बनाकर काज करें तो गेटवे ऑफ अफ्रीका हो जाती है, और मॉरिशस के बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में 70 बिलियन के अखन बिजनेस कंट्रीब्यूट हो छे।
बिहार सरकार के चाहिए कि मॉरिशस के साथ संबंध स्थापित क क क्योंकि मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री भी बड़ा जबरदस्त है। उत्तर आईपीओ वगैरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के से आईपीओ से कहीं ज्यादा चीप पड़ते और फंड रेजिंग भी भारतीय कॉर्पोरेट के बड़ा आसान है। और अफ्रीका में हम आके एक्सप्लोर कर जी कोई आईडी कोई एनआईडी कोई गूगल से सूचना नहीं आएगा। स्ट्रैटेजी उत्तर बनाओ जब तक टारगेट मार्केट हो, सैचुरेटेड मार्केट में स्ट्रैटेजी नहीं चला। करेक्ट आई लेल कहे छी आज का सर बंद कर जाए कि सेशन टू कर जाए। जी हम हमारी हम हमार निवेदन चल अनुप जी निवेदन ही चल जे चूंकि समय से हम सब जे छे बहुत अधिक जा रहल छी एक घंटा 24 मिनट जे छे लगभग बहुत हाँ जी 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 हमर विशेष आग्रह रहत और जे हिसाब से हम तुम्हें एक कविता से समाप्त कर छे बहुत चीज छूट गेला समय भ गेल क्षमा पार्थी दैट हम पहिने कहलो है कि लंबा समय छे। हाँ एक कविता कह के हम समाप्त करे छी सब गोटे के प्रणाम करे छी जे हमरा से त्रुटि भेल त्रुटि तो नहीं है हम कॉन्फिडेंट छी हम अपन डाटा में त्रुटि हमर आचरण में भ सकैया दरभंगा मधुबनी बाजू ओतो त्रुटि भ सकैया नहीं हम उदाहरण देलौं है भ सकै छी हिंदी में छे जी एक मैथिली लास्ट में कहो और हिंदी पहिने का अपन भाषा पहिने वो खुद तय करते हैं वो खुद तय करते हैं मंजिलें आसमान की वो खुद तय करते हैं मंजिले आसमान की परिंदों को कहां मिलता है तालीम उड़ानों की परिंदों को कहां मिलता है तालीम उड़ानों की और जो हम रखते हैं आसमान छूने की और जो हम रखते हैं आसमान छूने की उन्हें कभी फिक्र नहीं होती गिर जाने की। अपन मैथिली में वक्त के मांग अछि तूफान से जूझी वक्त के मांग अछि तूफान से जूझी कखन तक चलब हम नदी के किनारी। एहि सब के साथ हम वहां सबसे विदा लै छी भारती में भारतम नमामि मिथिला मिथिले नमन। जी बहुत 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 धन्यवाद। ई चैप्टर बहुत जबरदस्त छे आकरा से सुसज्जित छे अखनो कतेक सेशन है पर कमी नहीं है। जी 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 हम सब पार्ट टू जरूर करब अपने से अपन कीमती समय हम बुझलो चले छी जय हिंद जी बहुत बहुत धन्यवाद जी ओके जय हिंद की अपने फीडबैक का से उसका से चले धन्यवाद चलेंगे ठीक है ओके बाय बाय।